नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। राजस्थान में नई सरकार आने के बाद सभी विभागों के कर्मचारियों को नई सरकार से काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में राजस्थान रोडवेज, जो राजस्थान के ऑक्सीजन का काम करता है, उसकी हालत खस्ता है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि रोडवेज घाटे में है, बल्कि वो तो ये भी कहते हैं कि पिछली सरकार की मंशा ही नहीं थी रोडवेज चलाने की, लेकिन अब उन्होंने आश्वासन दिया है कि किसी भी हाल में रोडवेज की खस्ता हालत को सुधारेंगे, यानी कि राजस्थान रोडवेज की रिपेयरिंग की जाएगी। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पदभार संभालने के बाद अपने अधिकारियों के साथ पहली बार रोडवेज मुख्यालय पहुंचे, जहां मुख्यालय पर भारी तादाद में रोडवेज अधिकारियों और कर्मचारियों ने खाचरियावास का स्वागत किया। क्या कुछ कहा उन्होंने इस मौके पर, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस सरकार से रोडवेज कर्मियों को काफी उम्मीद। पदभार संभालने के बाद रोडवेज मुख्यालय पहुंचे खाचरियावास। रोडवेज कर्मचारियों ने किया खाचरियावास का स्वागत। रोडवेज को सुधारना कड़ी चुनौती। रोडवेज काफी घाटे में है। राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता आने के बाद और मंत्रिमंडल के गठन से लेकर मंत्रियों के पदों के बंटवारे के बाद अब गहलोत सरकार के मंत्री धरातल पर काम करने के लिए उतर चुके हैं। राजस्थान की सरकारी रोडवेज की बिगड़ती हालत को सुधारने और पटरी पर लाने के लिए राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पदभार संभालने के बाद अपने अधिकारियों के साथ पहली बार रोडवेज मुख्यालय पहुंचे, जहां मुख्यालय पर भारी तादाद में रोडवेज अधिकारियों और कर्मचारियों ने खाचरियावास का साफा बांध कर और फूलमालाएं पहनाकर स्वागत किया। वहीं राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने रोडवेज को सुधारने को कड़ी चुनौती माना है। इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, मैं इस बात को समझता हूँ। आप जानते हैं रोडवेज की स्थिति, जो लोक परिवहन बस सेवा जब शुरू हुई उस वक्त पुरानी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मैंने काफ़ी स्टडी किया है, मेरा मन है कि रोडवेज भी चले, कर्मचारियों को अधिकार मिले और रोडवेज जिंदा रहेगी, तो ये ऑक्सीजन का काम है। खाचरियावास ने कहा कि रोडवेज राज्य की ऑक्सीजन का काम करती है। पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने रोडवेज को घाटे में ला दिया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार की रोडवेज को चलाने की मंशा ही नहीं थी। जने राजस्थान की, और आप इस बात को जानते हैं कि रोडवेज को पटरी पर लाना, रोडवेज जबरदस्त घाटे में आई। पुरानी सरकार रोडवेज को चलाना ही नहीं चाहती, नीयत ठीक नहीं थी और कर्मचारियों में और सरकार में कभी भी सामंजस्य नहीं हुआ। उसका एक बड़ा कारण ये था कि रोडवेज को चलाने की सरकार की मंशा नहीं थी। जब लोक परिवहन सेवा आई तो उसमें प्राइवेट अब खाचरियावास का कहना है कि कर्मचारियों को उनकी सरकार से काफी उम्मीदें हैं और कांग्रेस सरकार कर्मचारियों की हर समस्या को सुनेगी और उसे दूर करेगी। अब कर्मचारियों को अधिकार भी मिलने चाहिए, तो सारा वेतन भी मिले, उनका हक भी मिले, क्योंकि कर्मचारी ये उम्मीद कर रहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हमारी सुनवाई होगी और सुनवाई होकर हमारी समस्या का समाधान। अब ये जो चुनौती हमारे सामने है, अब इस चुनौती को मैं आज कर्मचारी साथियों के साथ भी बैठूंगा, बातचीत करूँगा, समझूंगा, उनसे भी रिवाइवल प्लान लूँगा कि भाई कैसे हम रोडवेज को चलाएँ, कैसे जिंदा करें, ये हम सबकी जिम्मेदारी। पिछली सरकार में रोडवेज कर्मचारी वसुंधरा सरकार से काफी खफा थे। अपनी मांगों को लेकर रोडवेज ने कई बार हड़ताल भी की थी, जिसका खामियाजा आम जनता को परेशान होकर भुगतना पड़ा था। अब रोडवेज के कर्मचारियों को नई सरकार से उम्मीद है कि नई सरकार उनकी समस्याओं को दूर करेगी। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि रोडवेज का घाटा कांग्रेस कैसे दूर करती है और राजस्थान रोडवेज की रिपेयरिंग कैसे करती है। न्यूज इंडिया के लिए जयपुर से हिना ताज की रिपोर्ट।
राजस्थान रोडवेज जिसके कर्मचारी पहले भी कई बार हड़ताल कर चुके हैं पुरानी सरकार में और अब नई सरकार से काफी उम्मीदें लगा चुके हैं। उनकी उम्मीदें हैं कि उनकी जो समस्याएं थी, जो मांगे थी, जो सर पिछली सरकार में पूरी नहीं हुई वो इस सरकार में पूरी हो। और अब देखना होगा कि नई सरकार रोडवेज कर्मियों की जो उम्मीदें हैं उस पर कितना खरा उतरती है। फिलहाल तो आश्वासन मिल गया है, लेकिन आगे क्या होने वाला है ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं सुमेर चैटर्जी जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सुमेर जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। इसी के साथ बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शंकर गौरा जी। शंकर गौरा जी, न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सुमेर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोशिश कर रहे हैं। शंकर गौरा जी, आज जो रोडवेज कर्मचारी हैं वो काफी खुश हैं नई सरकार के आने के बाद। उनका कहना है कि पुरानी सरकार ने हमारी सुनी ही नहीं, हमने कई बार उसको चेताया सरकार को, कई बार हड़तालें भी की, जुलाई में भी की, सितंबर में भी की, अपनी मांगे उनके सामने रखी, लेकिन ना हमारी मांगे मानी, ना हमारी परेशानियों को समझा। और अब कांग्रेस कह रही है कि रोडवेज खस्ता हाल है, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोडवेज को भी अच्छा चलाने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो हर महीने 50 करोड़ का जो रोडवेज को घाटा हो रहा है उसको बजट में प्रावधान लाके हर महीने 50 करोड़ रुपए रोडवेज को दिया, जिससे रोडवेज कर्मचारियों को वेतन समय पे मिल सके। पूर्ववर्ती सरकार जो कांग्रेस की थी, गहलोत सरकार, उसमें रोडवेज कर्मियों को ना तो वेतन मिल पाता था, ना इनको पेंशन भत्ते मिल पाते थे। उसके बाद में राजस्थान की मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी ने उस समय बजट में प्रावधान लाके 50 करोड़ रुपए रोडवेज कर्मचारियों को देने की घोषणा करी और हर साल के बजट में 50 करोड़ रुपए प्रति माह रोडवेज को दिए गए, उससे रोडवेज कर्मचारियों को वेतन मिला, पेंशन मिली। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने कहा है कि साहब हम रोडवेज का सुधार करेंगे, पहले किसानों के मामले में इन्होंने कहा था, अब आप देखिए किसानों के मामले में तो इनकी सच्चाई सामने आ ही चुकी। इन्होंने पहले सभी किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा करी और उसके बाद में इन्होंने पात्र किसान का कर्जा माफ करेंगे ऐसे कई नियम लेकर आए हैं। इसी प्रकार से रोडवेज कर्मचारियों के साथ भी ये सरकार धोखा करने वाली है। क्यों ना इस सरकार ने वादा किया था, इनकी पहली कैबिनेट की बैठक हो चुकी है, अगर इनको रोडवेज कर्मचारियों की सूद लेनी थी तो इनकी मांगे लेकर इस पहली मीटिंग में लेके आना चाहिए था, इनकी बातों को पहली मीटिंग में रखना चाहिए था। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि उस समय जब रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन धरने किए थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूर्व चीफ सेक्रेटरी के चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी और उसमें इनके जो अध्यक्ष होते हैं रोडवेज कर्मचारी संघ के, उसके जो अध्यक्ष थे यादव जी, उनको भी मेंबर बनाया गया था। उसका समाधान कुछ होता दो कमेटियों की बैठक में तो यादव जी गए, उसके बाद में जो बैठक हुई उसमें यादव जी गए ही नहीं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि रोडवेज कर्मचारियों का कोई समाधान हो और इनका कोई सोल्यूशन हो। ठीक है सुमेर जी, आवाज पहुंच रही है? जी जी, बताइए मानु जी। जी सुमेर जी, बहुत सारी उम्मीदें लगाए हैं रोडवेज कर्मचारी अब नई सरकार से, क्योंकि पुरानी सरकार में उन्होंने खूब अपनी मांगे रखी, खूब फरियादें की, हड़तालें भी की गई, धरना प्रदर्शन भी किए गए, बावजूद उसके आखिर में उन्हें नाराजगी सरकार को कर्मचारियों की झेलनी ही पड़ी थी आखिर में, क्योंकि कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगे नहीं सुनी गई, उनकी परेशानियां नहीं सुनी गई। लेकिन अब कांग्रेस से वो उम्मीद लगाए हुए हैं। ऐसे में प्रताप सिंह खाचरियावास कहते हैं कि रोडवेज घाटे में चल रहा है, आखिर सरकार कैसे इस घाटे को पूरा करेगी? और अगर कर्मचारियों की इतनी चिंता है कांग्रेस सरकार को जो दिखा रही है, कांग्रेस सरकार जो चिंता जता रही है, तो कैबिनेट की बैठक में उनकी मांगे क्यों नहीं रख ली गई? क्योंकि जिस वक्त हड़ताल हो रही थी सितंबर महीने में, प्रताप सिंह खाचरियावास भी वहां मौजूद थे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। भानु जी, जैसा आपको विदित है, सब लोगों को विदित है, संपूर्ण राजस्थान में एक ऐसा माहौल हो गया था अभी पूर्ववर्ती सरकार के समय में
कि राजस्थान में रोडवेज घाटे में तो थी उसके साथ साथ जनता को आवागमन में इतनी सारी परेशानी हुई। आचार संहिता लगने से कुछ दिन पूर्व तक उनकी हड़तालें रेगुलर चल रही थी, कर्मचारी बहुत परेशान थे, आम पब्लिक परेशान हो रही थी और सीधा सीधा सरकार में यूं कहूं कि सरकार एक तानाशाही रवैया अपना रही थी और सरकार कतई ये नहीं चाह रही थी कि कर्मचारियों की मांगों पे कुछ ध्यान दिया जाए। प्रथम चीज। द्वितीय चीज, जो घाटे की बात है तो घाटे की बात का दोषी भारतीय जनता पार्टी है। वो यूं दोषी है कि इन लोगों ने रोडवेज की बसें कम करके रोडवेज की बसों में यातायात सुगम हो सकता था, जनता आराम से आवागमन कर सकती थी, वो नहीं करके कुछ पूंजीपतियों को ठेका इन लोगों ने दिया और जो टेंडर इन लोगों ने दिया वो कुछ बसें चलती थी परिवहन के नाम से, वो सीधी सिंधी कैंप जो अपना राजधानी का सबसे बड़ा बस स्टैंड है, सिंधी कैंप स्टैंड से वो बसें रेगुलर वहां से जा रही थी। ऐसी स्थिति में जब वो कुछ चंद ठेकेदारों के प्रवाह के बिगर कुछ चंद ठेकेदारों की वजह से वो लोग आपस में ऐसा साठ गांठ नजर आ रही थी जिसकी वजह से रोडवेज को घाटा हो रहा था और वो मोटी कमाई कर रहे थे। ठीक है, और प्रताप जी जैसे ही हड़ताल थी उस समय भी गए थे भानु जी, हड़ताल थी उस समय भी भानु जी वो गए थे प्रताप जी, और आज ये देश की जनता का सौभाग्य है, रोडवेज कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि प्रताप सिंह जी खाचरियावास वहां परिवहन के मंत्री बने हैं हमारे यहाँ राजस्थान में, और वो उनसे मुकाबले में बहुत ही बारीकी से वो जानते हैं क्योंकि वो पहले भी मिनी बस यूनियन के अध्यक्ष रहे थे और बहुत ही तेज तर्रारे और आम जनता की आवाज उठाने वाले, कर्मचारियों की आवाज उठाने वाले वो मंत्री बने हैं। और मैं कहूंगा कि प्रथम दृष्टिया वो किसानों के साथ साथ वो रोडवेज कर्मियों की बात रखेंगे और रोडवेज को घाटे से उबारने में बहुत ही भरसक प्रयास करेगी कांग्रेस पार्टी। चलिए ठीक है, भरसक प्रयास करेगी लेकिन कैसे करेगी अभी ये कुछ नहीं बताया गया है। कैबिनेट की बैठक में ना ही रोडवेज कर्मियों की समस्या रखी गई, ना ही उनकी कोई बात वहां पर हुई है। क्या बात हुई हालांकि कैबिनेट बैठक की वो अलग है, लेकिन कैबिनेट की बैठक में समस्याएं तो रख लेते कम से कम कर्मचारियों की। कर्मचारी सबसे पहले तो सरकार को बनने का तोहफा दे रहे हैं कि आप लोगों की वजह से रोडवेज वापस घाटे से उभरेगी, जो तो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी ने लागू कर रखी थी कर्मचारी जी। कांग्रेस के लिए किसानी प्राथमिकता है क्या? सभी 36 कौन प्राथमिकता है? बेरोजगार फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमने तो हमारे मैनिफेस्टो जो हमारा घोषणा पत्र था उसके अंदर यह दर्शाया गया है कि कर्मचारियों के हित की बात रखी जाएगी, बेरोजगारों के हित की बात रखी जाएगी, माताओं बहनों के सुरक्षा संबंधित जो बात रखी जाएगी। तो हम तो जब स्ट्राइक कर रहे थे रोडवेज के कर्मचारी, हम लोग मिलने गए थे। आप मुझे बताइए भानु जी, सरकार का कौन सा एक प्रतिनिधि वहां गया था? कौन सा मंत्री जी वहां पे गए थे? मुझे नहीं लगता पूर्ववर्ती सरकार ने कर्मचारियों के हित की कोई बात की होगी। और वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की राजस्थान में सरकार है और प्रताप सिंह जी एक सक्षम व्यक्ति है। सुमेर जी, हमारी संवाददाता हिना ताज भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। हिना, आज जब प्रताप सिंह खाचरियावास कार्यालय पहुंचे थे, मुख्यालय रोडवेज मुख्यालय पहुंचे थे, तो वहां उनका कहना था कि वो किसी भी हाल में जो खस्ता हाल रोडवेज है घाटे में जा रहा है उसको घाटे से उबारेंगे और रोडवेज कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करेंगे। और ऐसे में रोडवेज के जो कर्मचारी हैं उनको भी काफी उम्मीदें हैं कि शायद नई सरकार आई है अब उनकी सुनवाई होगी। तो ऐसे में कब तक रोडवेज कर्मचारियों की सुनवाई हो सकती है या प्रताप सिंह खाचरियावास ने ऐसा क्या कुछ किया अभी नई सरकार बनने के बाद रोडवेज कर्मचारियों को जिससे कि उनकी उम्मीदें अभी भी बनी हुई हैं? देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास आज पहली बार रोडवेज मुख्यालय पहुंचे थे मंत्री पदभार ग्रहण करने के बाद। तो फिलहाल अभी आज उन्होंने सारे जो कर्मचारी हैं वहां के उनको आश्वासन ही दिया है, क्योंकि उनका कहना था कि वो खुद पहली बार उनको ये प्रभार सौंपा गया है तो पहले वो रोडवेज के पूरे मैनेजमेंट को समझेंगे। और आज जो बैठक उनकी अधिकारियों के साथ हुई थी उसमें इन्हीं चीजों के बारे में उन्होंने जानकारी ली कि प्रदेश में कितनी रोडवेज है बसेज हैं और कितनी की रिक्वायरमेंट है, कितने कर्मचारी हैं, कितने रिक्त पद हैं और जो प्रदेश के बस अड्डे हैं उनकी क्या हालात हैं। तो इस तरह की पूरी जानकारी अभी उन्होंने ली है। इसके बाद उनकी बैठक जो है वो कर्मचारी संघों के साथ हुई थी,
और वहाँ कर्मचारी संघों ने उनके सामने अपनी मांगे रखी थी, तो तब उन्होंने वहाँ भी उनको आश्वासन दिया कि वो उनकी जो मांगे हैं उनको मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। तो फिलहाल आज उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने साफ कर दिया है कि अब जो प्राइवेट बसेस हैं उनको आगे परमिट जारी नहीं किए जाएंगे, लोक परिवहन को आगे परमिट जारी नहीं किए जाएंगे। और इसके अलावा जो हितकारी कदम है रोडवेज के लिए वो उठाने के लिए वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। जय हिना। तो शंकर जी, सुना आपने, अब सबसे पहले प्रताप सिंह खाचरियावास ने नई बसों के परमिट के लिए रोक लगा दी है, प्राइवेट बसों को कोई परमिट नहीं मिलेगा। अब जो जैसे कि आप कह रहे हैं कि 50 करोड़ रुपए हर महीने पुरानी सरकार दिया करती थी, बावजूद इसके रोडवेज घाटे में जाता दिखाई दिया है। प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि रोडवेज घाटे में है, उसको उबारेंगे, और आरोप ये भी लग रहे हैं कि वसुंधरा सरकार ने पूंजीपतियों को प्राइवेट बसों के पट्टे दे दिए थे, प्राइवेट बसों को ज्यादा चलवाया जा रहा था बजाय सरकारी बस के। देखिए भानु जी, ये तो मेरे को पता नहीं, कांग्रेस पार्टी ने पता नहीं कोई झूठ बोलने का कोई बड़ा सिस्टम लागू कर रखा है क्या जी। अब मेरे साथी सुमेर जी को मैं बताना चाहूंगा कि आज तक रोडवेज सिर्फ 3 ही साल घाटे में नहीं चली, नहीं घाटे में ही चलती आ रही है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। 95 से 98 जो था उसके बीच में ये रोडवेज घाटे में नहीं चल रही थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा वो इसलिए नहीं चल रही थी कि उस समय जो रेलवे हमारा है उसकी ट्रैक लाइनें बिछ रही थी, रेलवे का यातायात बहुत कम था। उसके बाद में पूर्ववर्ती कांग्रेस की जो गहलोत सरकार थी उसमें तो हालत ये थी कि कर्मचारियों को ना तो वेतन मिल पा रहा था ना पेंशन मिल पा रही थी। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पब्लिसिटी स्टंट के लिए जगह जगह जा रहे हैं। अब आप देखिए, अभी इन्होंने 3 बात करी, किसानों की बात इन्होंने करी, बेरोजगारों की बात इन्होंने करी, रोडवेज कर्मियों की बात इन्होंने करी। किसानों के मामले में ये एक्सपोज हो चुके हैं, इन्होंने संपूर्ण कर्ज माफी की बात करके सिर्फ थोड़ी सी कर्ज माफी करी है, सीमांत किसानों की कर्ज माफी की बात करी है, डिफॉल्टरों के कर्ज माफी की बात करी है जो भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के हैं। दूसरी चीज बेरोजगारों की बात करने वाले, मैं इनको बताना चाहूंगा कि आचार संहिता जब लगी थी तो इन्होंने 26,000 शिक्षकों को सिर्फ ज्वाइनिंग मिलना बाकी थी, उनको निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर रोकने का काम कांग्रेस ने किया था। और इसमें मैं बताना चाहूंगा, लोक परिवहन जनता को अच्छी सेवा देने के लिए रोडवेज के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी ने लागू करी थी। और मैं सुमेर जी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के नाते, क्या ये लोक परिवहन को बंद करेंगे? मेरे को अभी इस बात का जवाब दे। दूसरी चीज, आप इनकी कर्मचारियों की इतनी चिंता है प्रताप सिंह खाचरियावास को या कांग्रेस की गवर्नमेंट को, तो इन्होंने जब वादे करे थे वहां पे जाकर, हड़ताल चल रही थी उस समय, आचार संहिता के कुछ समय पहले ही वो हड़ताल लागू हुई थी। हम भी चाहते तो घोषणाएं बड़ी बड़ी कर देते, मगर जिस प्रकार से 50 करोड़ हर महीने भार जो रोडवेज में पड़ रहा है उसको खत्म करके 7वां वेतन आयोग लागू करना पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ झूठी बातें करना चाहते हैं कांग्रेस वाले। मैं कहना चाहूंगा, अगर प्रताप सिंह खाचरियावास जी इतने गंभीर थे तो इन्होंने कैबिनेट की बैठक में क्यों ने निर्णय लिया, रोडवेज कर्मियों की बात का, कर्मचारियों की बात क्यों ने इन्होंने जवाब ले लेते हैं सुमेर जी से। जी सुमेर जी, जनता को गुमराह करना चाहते हैं, झूठ बोलना चाहते हैं। कांग्रेस का एक ट्रेंड बन गया है, चाहे राफेल का मामला हो, चाहे महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का मामला हो, ठीक है, किसानों का मामला हो, जी इसका जवाब ले लेते हैं। सुमेर जी को भी आप बोलने दीजिए। जी सुमेर जी, क्या कहेंगे इन आरोपों पर? 50 करोड़ हर महीने पिछली सरकार देती रही थी रोडवेज को, ऐसा कहना है शंकर जी का, हर महीने 50 करोड़, बावजूद इसके घाटा क्यों? भानु जी, सीधी सीधी बात यह है कि कार्य करने की मानसिकता होनी चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा जी के नेतृत्व की जो सरकार थी उसकी मानसिकता कतई नहीं थी कि कोई कर्मचारी खुश रहे। जहां एक तरफ वो यात्राएं निकाल रहे हैं, जहां उनके प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री जी सभा को संबोधित कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री सभा को संबोधित कर रही थी, उनको ये नहीं लग रहा था कि सिंध कैंप के वहां पे कर्मचारी हड़ताल पे हैं, उनकी सुध ली जाए। जब आचार संहिता लगने वाली थी उससे पूर्व 2 दिन पहले कोई सरकार का एक नुमाइंदा तो जाता और बताता कर्मचारियों के। रही बात प्रताप जी की, तो प्रताप जी आज की ही मीटिंग में कर्मचारी नेताओं से मिले हैं, जितने भी कर्मचारी नेता हैं उनसे मिले हैं, उनकी जो जायज मांगे हैं उन पे बिल्कुल विचार विमर्श किया जाएगा। और यही प्रताप सिंह जी, हमारे मंत्री जो वर्तमान सरकार में हैं, यही पूर्व में जब धरने प्रदर्शन हो रहे थे तब जाके वहां पे खड़े हुए थे कर्मचारियों के हित की बात। रही बात जो मेरे साथी ने पूछी
कि क्या लोक सेवा परिवहन को बंद किया जाएगा क्या? जी जी, बात ऐसी है कि अगर सिंधी कैंप, जहां एक काफी पूरे प्रदेश की सब बसें आती है, जहां से आवागमन रोडवेज को घाटे में उबारने के लिए उनको बाहर से जो आप चलाने की प्रोसेस डाल रखी थी, जो आपने चंद ठेकेदार पैदा कर रखे थे, वो चंद ठेकेदार कतई ही नहीं रहेंगे, ये तो बात तय है। और जहां जहां ग्रामीण क्षेत्र में मैंने इस बसों की जरूरत है, सीधा सा सवाल पूछा है, आप लोग परिवहन को बंद करेंगे नहीं करेंगे, जहां जरूरत है आयोग कब लागू करेंगे, जहां हमारी रोडवेज की बसें चल रही है, जहां रोडवेज की बसें चल रही है, कहां पर जरूरत है लोग रोड कब लगाएंगे? मैंने सीधा सीधा सवाल आपसे किया कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, आपने वो सीधा जवाब दे, सीधा जवाब दे रहा हूं, मत करिए, आप सीधा जवाब लीजिए ना, जवाब दीजिए, जनता को रोडवेज की बसें चल रही है, सुन रही है आपको, आप झूठ से सवाल लिए, आप सीधा सीधा जवाब दीजिए, लोक परिवहन सेवा के लिए सातवां वेतन आयोग कब लागू करेंगे आप? सेवा बस की बात कर रहे हैं, झूठ बोल के नहीं बच सकते, आती थी जनता की, सीधा जवाब दीजिए, आप लोक परिवहन सेवा क्यों बंद की आप लोगों ने? बंद करेंगे या चालू रखेंगे लोक परिवहन? हम लोक परिवहन बस को चालू रखेंगे जहां पे रोडवेज की बसें नहीं जाती। अब देखिए, ये पहले कह रहे थे आप रोडवेज की बसें, रोडवेज को घाटा देंगे, आप अपने जो साहूकार हैं उनको बंद कर रहे हैं, आपके साहूकार के चलते जनता के साथ गलत नहीं होने देगी, कांग्रेस ने जनता को बड़ी उम्मीद के साथ चुना है और हम जनता के साथ खड़े हैं, आपकी एक तानाशाही नहीं होगी, और आपकी जो बोगलत है ये तीन प्रदेशों में हार की है, कांग्रेस के प्रवक्ता से तीन प्रदेशों में जो हार की बोगलत झूठ बोल के सामने आ रही है, किसानों को, कर्मचारियों को, बेरोजगारों को झूठे वादे करके बेरोजगारों के साथ हम खड़े हैं, कौन सी आप 25,000 की नौकरियों की बात कर रहे हैं? अगर आपको तो आप कोर्ट में क्यों नहीं खड़े हुए? हम खड़े होने चाहिए, हम बेरोजगारों के साथ, बेरोजगार हमारे साथ दिया था, हमारे को किसान ज्ञान सिखाने की जरूरत नहीं है। शंकर बोराजी, आप तीन प्रदेशों में चुनाव हार चुके हैं, आने वाला 2019 आपको सामने दिख रहा है, और हर प्रदेश से जो आप कांग्रेस की बातें करना चाहते हैं, कांग्रेस के लोग, भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो रही है। मैं नहीं कहना चाहूंगा, इतनी बड़ी पार्टी है, हम नहीं कहना चाहते कि भारतीय जनता पार्टी को मुक्त करेंगे, विषय पर आइए, हमने किसानों का कर्जा माफ करने का परवान की बंद नहीं करेंगे, हमने चार्जशीट जारी कर दी और किसानों का कर्जा माफ करने के लिए आदेश जारी कर दिया। आप मुख्य सचिव की बात को, चीफ सेक्रेटरी की बात को आप चुनौती देना चाहते हैं? सुमेर जी, आप कहते हैं कि लोक परिवहन की बसें वहां चलाएंगे जहां पर रोडवेज बसें नहीं पहुंच रही हैं, जहां पर रोड लोक परिवहन की जरूरत है वहां लोक परिवहन चलेगा, तो ये कौन तय करेगा कि कहां पर लोक परिवहन की जरूरत है और जहां रोडवेज नहीं पहुंचती है, सुन लीजिए, जहां रोडवेज नहीं पहुंचती है तो वहां तो लोक परिवहन को पहुंचाया ही गया था, पिछली सरकार ने भी तो यही किया था, जहां रोडवेज नहीं पहुंच रही थी वहां लोक परिवहन को पहुंचा दिया था। ग्रामीण बस सेवा चालू की थी भानु जी, हमने ग्रामीण बस सेवा चालू की थी, जिस गांव के अंदर रोडवेज की बसें नहीं जा रही, गांव काफी गरीब जनता के लिए चलाई थी, गुजर रहा था, ग्रामीण सब लोग परेशानी में थे, वहां जहां रोडवेज नहीं पहुंच पा रही थी वहां पे हमने ग्रामीण परिवहन बसें चालू की। इन लोगों ने जो हाईवे पे प्राइवेट बसें वैसे ही चल रही है, कहां उनको लाइसेंस देने की जरूरत थी, पर इनके कुछ चंद नुमाइंदे जो सत्ता के भागीदारी रहते हुए उन लोगों ने मलाई खाने की कोशिश की, जिसकी वजह से राजस्थान की रोडवेज घाटे में गई। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं इस चैनल के माध्यम से, न्यूज इंडिया के माध्यम से, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता ने अगर कांग्रेस को किसी उम्मीद के साथ चुना है, प्रताप जी रोडवेज को घाटे से उबारने के साथ साथ कर्मचारियों की हर सवाल है, आधे बताइए शंकर जी, अशोक गहलोत जी वक्त कम है, शंकर जी का सुन लीजिए, सातवां वेतन आयोग इन्होंने कहा था कि हम कर्मचारियों के लिए लेकर आएंगे, दूसरा इन्होंने कहा था हम नई बसें खरीदेंगे, तीसरा इन्होंने कैबिनेट की पहली बैठक में नई बसें खरीदने आपके पंद्रह दिन के अंदर राज्य का भंडार कर दे, पूछना चाहता हूं कांग्रेस की विचारधारा नहीं रही है। पहली कैबिनेट की बैठक में जब आपको उस समय जल्दी हो रही थी तो पहली कैबिनेट की बैठक में आपने रोडवेज कर्मचारियों की बात क्यों नहीं उठाई? आज बात उठाई ना कर्मचारियों के नेता से, आप मेरे को बताइए, जो कर्मचारी की बैठक की बात कर रहा हूँ, ये पब्लिसिटी स्टंट की बात नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है, शंकर जी और सुमेर जी, बात करना चाहता हूँ कर्मचारी नेता, सुमेर जी, शंकर जी, ठीक है, हम राजनीति करने नहीं आए, हम राजस्थान का चौथी चीज अच्छी तरह से भला जानते हैं। चलिए अब इजाजत दीजिए साहब आगे बढ़ने के लिए, लेकिन सुमेर जी अब ये देखना होगा कि कैसे खजरियावास घाट
घाटे से उबारते हैं या जो कर्मचारी हैं उनकी मांगे कब तक पूरी होती हैं और कब तक नहीं हो पाती हैं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि राजस्थान रोडवेज जो है अब वो घाटे में चल रहा है, ऐसा परिवहन मंत्री खाचरियावास का कहना है और उनका कहना है कि उनके सामने ये एक बड़ी चुनौती है रोडवेज को घाटे से उबारने की। इसी के साथ साथ रोडवेज कर्मचारियों की काफी उम्मीदें अब नई कांग्रेस सरकार से लगी हुई हैं और हर कर्मचारी अब आस लगाकर देख रहा है कि शायद उनकी मांगें और जो उनकी जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी, जो समस्याएं हैं वो दूर होगी, उनकी मांगें पूरी होंगी, लेकिन कब तक ये देखने वाली बात होगी। आज पहले दिन खाचरियावास ने रोडवेज मुख्यालय पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक ली और पूरा हाल जाना है राजस्थान रोडवेज का। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।